हम लोगों ने भारत में करप्शन को दूर करने के अनेक तरीकों में से अभी तक तीन महत्वपूर्ण विधियों पर चर्चा की है। पहला जो फैक्टर जिस पर हमने बात की थी वो थी मीडिया, दूसरा था सोशल मीडिया और उसके बाद फैमिली। और इन तीनों महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के बाद आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सोसाइटी यानी कि हमारा जो समाज है वो किस तरह से करप्शन को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो ये जरूरी है कि अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे भी देखिए, और इसके लिए आप सब्सक्राइब करिए जरूर चैनल को, और साथ ही साथ इस पर रेगुलर बने रहिए और पूरा देखिए, पूरा पूरा टॉपिक देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और बेहतर आंसर आप कर पाएंगे, क्योंकि इन सब टॉपिक पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं। और ये सारे टॉपिक आपको एसे का जो पेपर होता है, निबंध का जो प्रश्न पत्र होता है, उसमें भी आपको काम आने वाला है। तो आज हमारी चर्चा होगी कि सोसाइटी यानी कि हमारा जो समाज है ये करप्शन को दूर करने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हम सब ये जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वी ऑल आर द सोशल एनिमल। हम सभी लोग इस समाज में रहते हैं और समाज के बिना व्यक्ति का अस्तित्व नहीं हो सकता। तो अगर समाज को अगर आपको समझना हो तो मैंने एक सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर रखी है कि सोसाइटी इज द वेव ऑफ सोशल रिलेशन। वेव यानी कि जाल, क्या है ये सोसाइटी? सोसाइटी इज द वेव ऑफ सोशल रिलेशन यानी कि सामाजिक संबंधों के जाल को ही हम लोग समाज कहते हैं। अब देखिए ये जाल जो है ना ये बहुत काम का है, इस जाल में से ही हम करप्शन को ट्रैप करने का रास्ता निकालने वाले हैं। तो इसीलिए ये सबसे बेसिक डेफिनेशन जो लोग सोशियोलॉजी पढ़ते हैं या सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं इस डेफिनेशन के महत्व को समझ गए होंगे कि जब भी आप सोशियोलॉजी की बात करेंगे या सोसाइटी की बात करेंगे ये डेफिनेशन आपके जहन में आनी चाहिए कि सोसाइटी जो है वो क्या है। तो सोशल रिलेशन का जाल है। अब जब सोशल रिलेशन है तो सोशल रिलेशन से क्या होता है? देखिए आप जो भी सोशल एक्टिविटी करते हैं, विवाह, परिवार, नातेदारी, जो भी संबंध आप विकसित करते हैं वो सब एक रिलेशन है। तो सोशल रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन, राजनीतिक संबंध, ये भी इसी समाज में जन्म लेता है सोशल रिलेशन से। कल्चरल रिलेशन जो सांस्कृतिक जो रिलेशन है, सांस्कृतिक संबंध है, जो कला, साहित्य, संगीत, विचार या लोगों से मिलना जुलना, धर्म यानी रिलीजन, ये सब क्या है? ये सब एक रिलेशन है और ये समाज में लोगों के बीच संबंधों से उत्पन्न होते हैं। और देखेंगे आप जैसे यहाँ पर रिलीजियस रिलेशन हो गया, कॉपरेशन एक दूसरे का सहयोग करना, ये भी सामाजिक संबंधों से उत्पन्न होता है। कन्फ्लिक्चुअल ये नहीं खाली संबंध ही नहीं, विवाद, कॉन्फ्लिक्ट, अगर दो लोगों के बीच विवाद होता है ना तो ये भी सामाजिक संबंधों का ही एक परिणाम है। दिस इज ऑल्सो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सोशल रिलेशन। कॉम्पिटिशन, आप यूपीएससी देते हैं या पीएससी देते हैं या स्टेट पीएससी या कोई भी कंपटीशन देते हैं तो कंपटीशन इज आल्सो फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशन, ये भी एक सामाजिक संबंधों की उत्पत्ति है। पब्लिक एंड द प्राइवेट रिलेशन, जो आप लोगों के साथ, बाहरी लोगों के साथ संबंध आपके हैं और जो आपके निजी संबंध यानी अपने परिवार, अपने घर में आपके जो संबंध है यानी प्राइवेट रिलेशन, ये सब कहीं ना कहीं हमारे लोगों के बीच इंटरेक्शन से यानी कि उनके बीच अंतःक्रिया से ही उत्पन्न होता है। तो यहां पर सोसाइटी के बारे में हम ये समझ गए कि जब हम सोसाइटी की बात करेंगे तो उसके पास ताकत क्या है। पूरी ताकत है उसके पास, चाहे कोई धार्मिक संबंध हो, चाहे राजनीतिक संबंध हो, चाहे आर्थिक संबंध हो, चाहे कोई विवाद हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे नातेदारी हो, परिवार हो, सब कुछ इस समाज का हिस्सा है। तो समाज ही वो आधार है जो करप्शन को दूर कर पाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां पर ये उठती है कि कैसे दूर कर पाएगा, समाज के में आखिर समस्या क्या है कि हम नहीं कर पाते हैं। तो देखिए एक बहुत बेसिक चीज यहां पर बताई गई है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल अगेंस्ट करप्शन इज एसेंशियल टू रिमूव करप्शन।
लोगों का की जो भागीदारी है, सक्रिय भागीदारी, वही और केवल वही करप्शन को दूर करने में मदद कर सकती है। जब तक लोग स्वयं इस समस्या के हल के लिए आगे नहीं आएंगे, यानी भागीदारी नहीं करेंगे, पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, इस समस्या का हल नहीं ढूंढा जा सकेगा। क्यों? क्योंकि जब हम आपसे कॉजेज के ऊपर बात कर रहे थे, कॉजेज यानी कारण, तो वहां पर हमने एक जगह उल्लेख किया था कि अगर हमें कारण पता चल जाए, समस्या मालूम पड़ जाए, तो हम उस समस्या का हल निकाल पाएंगे। तो कारण तो अब हमको पता चल गया है कि करप्शन का कारण क्या है। तो करप्शन का कारण हमारे समाज में बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं, हमारे समाज में बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो करप्शन को जनरेट करता है। लोगों की आदतें, हैबिट्स, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशन, गरीबी, पॉवर्टी, ये सब कारणों में पड़ा है। यहां पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। पॉवर्टी, गरीबी, इलिटरेसी, अशिक्षा, ठीक, नॉलेज की कमी, लैक ऑफ नॉलेज, लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे पास क्या क्या कानून है, इंफॉर्मेशन, सूचना का अभाव, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, और क्या कमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लोगों का आत्मविश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, डरते हैं लोग, और क्या कमी है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो उनको जानकारी नहीं है, वो तकनीक उनके पास नहीं है कि वो करप्शन से लड़ने के लिए सामने आ पाए। तो पार्टिसिपेशन में अगर कमी होगी तो करप्शन को दूर करना मुश्किल होगा। और फायदा किसको मिलेगा, जो सत्ता में है, हु इज इन पावर, जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कॉरपोरेट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो इन्हीं सब कमियों का लाभ उठाने वाले। ठीक, कारण में चले जाइए आप, कारण के बारे में सोच लीजिए, क्या क्या कारण बताया था। तो वहां पर हमने यही उल्लेख किया था कि कारण को जब जान लेंगे तो उस कारण को समझ करके समस्या का हल निकालेंगे। और यहां पर हमको कारण पता है, पॉवर्टी है, अशिक्षा है, लोगों को जानकारी का अभाव है, इंफॉर्मेशन सूचना नहीं मिल पा रही है, लोगों के पास आत्मविश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस का अभाव है, लोग डरते हैं, घबराते हैं, टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास हर जगह विद्यमान नहीं है, एक बहुत सी समस्या है रूरल एरियाज में, खासकर उनके पास वो तकनीक नहीं है, वो प्रौद्योगिकी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उसका उपयोग कर सके। तो समस्या हमें पता है, अब उसे हल करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पॉवर्टी, इलिटरेसी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, नीड ऑफ कॉन्फिडेंस और टेक्नोलॉजी, अगर हम समाज में बढ़ाएंगे, पॉवर्टी को कम करेंगे, इलिटरेसी को कम करेंगे, नॉलेज को बढ़ाएंगे, इंफॉर्मेशन को बढ़ाएंगे, और किसको, तो टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे और लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। अगर ये चीजें हम समाज में डेवलप करें तो करप्शन से लड़ाई करने में हमको मदद मिल जाएगी। ठीक, तो अब आप उसकी जड़ों में जा रहे हैं कि समस्या का हल क्या है। यहां पर एक हल हमने ये बताया आपको कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल, यानी लोगों का सक्रिय भागीदारी। लेकिन वो बेचारे लोग सक्रिय भागीदारी करें तो करें कैसे, उनको इंफॉर्मेशन तो मिले, सूचना तो मिले, उनको समझ तो हो, पता तो हो कि ये गड़बड़ी होती कहां से है, उन्हें हमारे नियम कानूनों की जानकारी तो हो, उन्हें पता ही नहीं होता कि राइट टू इंफॉर्मेशन भी होता है, उन्हें पता ही नहीं है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 भी होता है, उन्हें पता ही नहीं कि हमारे देश में लोकपाल और लोकायुक्त जैसी बड़ी संस्थाएं भी हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे देश में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जैसी संस्थाएं हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे देश में वो लोग जो करप्शन के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, यानी व्हिसिल ब्लोअर, उसको प्रोटेक्ट करने का कानून भी है। तो नॉलेज की कमी, सूचना की कमी और उसके ऊपर से गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा करप्शन को बढ़ा देती है। तो यहां पर हमें लोगों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना है, ये बात यहां पर हमारी जरूरत है। और सक्रिय सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने के लिए समाज को मोबिलाइज करना पड़ेगा। तो एक तरीका समाज के पास जो है वो है एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो इसे ध्यान रखिए कि लोगों की सक्रिय भागीदारी, और सक्रिय भागीदारी के लिए हमें उन्हें क्या-क्या चीज देना पड़ेगा, नॉलेज, शिक्षा,
गरीबी को दूर करना, इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, अपनी भारतीय संविधान के मुताबिक जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में जानकारी उन तक पहुंचाना, अगर ये इस तरह से लोग एम्पावर्ड होंगे, अगर उनके पास ये ताकत होगी तो वो सक्रिय भागीदारी करेंगे, नहीं तो क्या होगा? यही होगा जो आगे हमने बताया, एज लॉन्ग एज पीपुल आर विलिंग टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय द करप्ट ऑफिशियल्स, जब तक लोग खुद ही ये चाहेंगे कि यार ठीक है चलता है, थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ता है, तो जब तक लोग ये सोचेंगे एज लॉन्ग एज पीपुल आर विलिंग टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय द करप्ट ऑफिशियल्स, जब तक भ्रष्ट अधिकारियों से लोग स्वयं ही अपने आप को समर्पित कर देंगे कि चलता है थोड़ा तो देना ही पड़ता है, ये तो तरीका होता है कि हमें थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ेगा काम कराने के लिए, तब तक एक्सप्लॉयटेशन खत्म नहीं होगा। या फिर दूसरी तरफ देखिए, और विलिंग टू एक्सप्लॉयट द करप्ट सिस्टम फॉर देयर एडवांटेज, करप्शन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, या फिर लोगों की सोच में ये विद्यमान है कि यार मुझे भी तो फायदा मिल रहा है, मुझे भी तो लाभ मिल रहा है, चलने दो, मैं भी कमा लूंगा, मुझे भी फायदा मिल रहा है, यानी कि थोड़ा अधिकारी को दे दो और थोड़ा खुद भी कमा लो, यानी कि या तो हम अधिकारियों से एक्सप्लॉयट होने के लिए स्वयं जाते हैं, पॉलिटिशियन से एक्सप्लॉयट होने के लिए स्वयं जाते हैं, या फिर क्या होता है कि हम भी ये सोचते हैं कि आज उसे फायदा उठा लेने दो, कल हम फायदा उठा लेंगे, तो करप्शन मरेगा कैसे? करप्शन तो वायरस की तरफ बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि सब लोग यही सोच रहे हैं, जो करप्शन कर रहा है ये भी सोच रहा है हम भी तो तुमको फायदा दे रहे हैं, बाद में तुम भी फायदा उठा लेना, यानी कि हम तो उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो सोसाइटी में अगर ये सोच रहेगी तो करप्शन मरेगा नहीं, बढ़ेगा, करप्शन बढ़ जाएगा। इसीलिए सोसाइटी की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने अंदर ये जो सोच है इसको धीरे धीरे खत्म करे, एकदम से तो खत्म नहीं होगा। मैंने कारणों वाले टॉपिक पर अगर आप एक बार रिव्यू करेंगे, उस वीडियो को एक बार फिर से एक बार देखिए, तो उसमें एक जगह जिक्र किया हमने कि हमारे देश में ऐतिहासिक स्तर पर भ्रष्टाचार है, यानी इतिहास से हमारे जीन्स में, हमारे मतलब ब्रिटिश शासन काल से लेकर के अब तक कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हमेशा रहा है। इवन ये हालत रही कि बाबर नामा नामक किताब में, उस वीडियो में ये बोला भी गया है, बाबर नामा नामक किताब में लिखा है कि जब आक्रमणकारी जब सड़कों से होकर गुजरते थे, भारतीय सड़कों के किनारे होकर उन्हें देखते रहते थे, कोई उन पर हमला नहीं करता था, न ही उनका विरोध करता था संगठित होके। मतलब क्या है कि अगर हमारे अंदर गलत चीज के खिलाफ लड़ने का आत्मविश्वास नहीं है, यानी यहां पर आत्मविश्वास किसके अंदर होना चाहिए? जनता के अंदर, सोसाइटी यानी समाज के भीतर आत्मविश्वास होना चाहिए गलत के विरुद्ध लड़ने के लिए। अगर करप्शन को हम हैबिट बना लेंगे और इसे इससे लड़ने का सोचेंगे ही नहीं, अगर हम करप्शन को जो है करप्शन के खिलाफ लड़ने से डरेंगे, वी आर एफ्रेड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन, अगर हम डरने लग जाएंगे तो करप्शन को खत्म नहीं कर पाएंगे। तो सोसाइटी में ये दोनों सोच को धीरे धीरे खत्म करना पड़ेगा कि अगर कोई करप्ट ऑफिशियल है वो हमको करप्ट कर रहा है तो विरोध नहीं करना, ये गलत है, और ये सोचना कि आज उसकी बारी है उसे करप्शन कर लेने तो कल हम भी इस सिस्टम का फायदा उठा के कर लेंगे, ये सोच भी गलत है। इसीलिए सोसाइटी को इन दोनों सोच से बाहर निकालना ही पड़ेगा अगर हमें करप्शन को दूर करना है तो। अब देखिए ये भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, और बहुत से दूसरे देशों में ये सोच पर काम किया गया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, इटली का है ये सिसली शहर जो है वहां का ये एग्जाम्पल है जो मुझे मिला है, मैं वहां पर जिक्र किया कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये मुझे एक सर्च के दौरान मुझे ये जानकारी मिली। अब देखिए कितना मजेदार, इन्होंने संघर्ष किया, और भारत में भी होता है, ऐसा नहीं है, अगर आप टीवी सीरियल या आपने फिल्में वगैरह देखी होगी
यार ये गुंडा आता है और वो लोगों से हफ्ता वसूली करके जाता है, बरसों तक ये चलता रहता है। फिर लोग जो है संगठित होते हैं और एक दिन जब वो आता है तो फिल्म में, जैसे कोई भी फिल्म आपने देखी होगी, और उसमें हीरो जो है सब लोगों को इकट्ठा करके और उसकी पिटाई कर देता है, और वो जो है फिर उसके बाद से हफ्ता वसूली बंद हो जाती है। कई अमिताभ बच्चन की फिल्मों में भी ये मैंने कहानी देखी है। कहने का मतलब क्या है, इट्स एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल के लिए कई शहरों में ये सब हुआ है, भारत के कई शहरों में लोगों ने किया है, रूरल एरिया में किया है। एक इटली का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये सब इसलिए क्योंकि लोग पिज्जा खाते हैं, लेकिन देखिए पिज्जो, पिज्जा जो है ये पिज्जो एक नया शब्द है वहां का, रेसिस्ट पिज्जो, वहां पे एक आंदोलन चला है। ये जो हफ्ता वसूली जो होती थी ना, वही हफ्ता वसूली यानी कि वहां पर भी कई सालों तक चलता रहा, बहुत सालों तक ये सब घटना चलता रहा। तो बहुत से जो बिजनेसमैन थे वो उससे त्रस्त थे, और उन लोगों ने मिलकर के एक संगठन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और उन्होंने अपनी दुकानों में, अपनी जहां वो रहते थे वहां पर लिख दिया रेसिस्ट पिज्जो, यानी कि जब कोई एक्सटॉर्शन के लिए आए यानी जबरन वसूली के लिए आए तो उसका विरोध करो, यानी कि रेसिस्ट पिज्जो, यहां पर पिज्जो मतलब है जबरन वसूली। और बाद में जब लोग संगठित होने लगे, जब ऑर्गेनाइज्ड हो गए, तो उन्होंने फिर अपनी दुकानों में एक नया नारा दिया, गुड एडिडो पिज्जो, एडिडो पिज्जो यानी कि गुड बाय एक्सटॉर्शन, पिज्जो मतलब एक्सटॉर्शन, जबरन वसूली। ये मैंने आपको टाइप्स में बताया है, एक्सटॉर्शन इज ए टाइप ऑफ करप्शन, है ना। तो ये जो है गुड बाई एक्सटॉर्शन यानी कि एडिडो पिज्जो, यानी कि सिसली यानी इटली की लैंग्वेज में, इटालियन में रेसिस्ट पिज्जो, एडिडो पिज्जो। अब इससे क्या सीख मिलती है, इसका मतलब ये है कि वहां के लोगों ने, वहां का समाज यानी सोसाइटी ने, लोगों ने मिलकर, यानी कि सोसाइटी मतलब लोगों के संबंध, अभी क्या पढ़ा ऊपर, यानी कि सोसाइटी क्या है, संबंधों का जाल है, इज द वेब ऑफ द रिलेशन, सोशल रिलेशन। तो चाहे वो बिजनेस के फील्ड में रिलेशन हो, चाहे फैमिली के फील्ड में रिलेशन हो, चाहे वो किनशिप यानी नातेदारी के फील्ड में रिलेशन हो, या फॉर्मल या इनफॉर्मल रिलेशन हो, चाहे जैसे भी रिलेशन हो, लोगों ने अपने संबंधों का इस्तेमाल इस करप्शन यानी कि इस जबरन वसूली के खिलाफ किया, और उन्होंने अपना एक नारा बना लिया, रेसिस्ट पिज्जो, एडिडो पिज्जो। और धीरे धीरे पता चला कि कुछ सालों में वहां पर ये एक्सटॉर्शन जो है ये बंद हो गया। और पीछे बहुत लंबी कहानी होगी, मैं यहां पर उतना लंबा नहीं जाना चाहता, लेकिन संक्षेप में आपको एक ये इंटरेस्टिंग जो टर्म था वो मैंने यहाँ बताया। तो कहने का मतलब ये है कि समाज जो है ये करप्शन को रोकने का एक बहुत मजबूत हथियार बन सकता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि लोगों की जो सोच यानी उनके जो रिलेशंस हैं और उन रिलेशंस से जो ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो रहे हैं उसमें बदलाव की जरूरत है, और जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने की जरूरत है। तो हो भी रहा है, धीरे धीरे कमजोरियां हैं वो कम हो रही हैं। अब देखिए क्या क्या और क्या कर सकता है हमारा समाज, तो छोटे छोटे स्टेप्स हैं। नॉट टू वोट करप्ट पॉलिसी पॉलिटिशियंस, अगर मान लीजिए समाज जो है, हमारी जो सोसाइटी है, ये तय कर ले कि अगर कोई करप्ट पॉलिसी पॉलिटिशियंस जो है चुनाव लड़ते हैं तो हम वोट नहीं देंगे। नॉट टू वोट, अब नॉट टू वोट का मतलब ये नहीं कि वोट देने नहीं जाना है, मत दो किसी को वोट, नोटा, नोटा बना है ना, नोटा है ना, None of the above, यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें से मुझे कोई पसंद नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग भ्रष्ट हैं या भ्रष्टाचार करके पैसे कमा रहे हैं, तो क्या होगा, नोटा। ये तो इलेक्शन कमीशन ने पावर दिया जनता को, एम्पावर्ड द पब्लिक। अब ये अलग बात है कि लोग इसका इस्तेमाल अभी भी बहुत कम करते, लेकिन अगर आपको लगता है, नहीं लगता तो कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि पॉलिटिशियन इज करप्ट, वो जो है लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, आप उनको विरोध कर सकते हैं, ये एक अच्छा तरीका है करप्शन को कम करने का। नेक्स्ट, रिफ्यूज गिफ्ट्स कैश लिक्विड ड्यूरिंग द ड्यूरिंग जो पॉलिटिकल, जब कैंपेनिंग वगैरह होती है, इलेक्शन होता है, तो ये बहुत इस्तेमाल किया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है लोगों को, अरे आप ये गिफ्ट रख लो, कंबल रख लो, साड़ी रख लो, शराब की बोतलें, है ना, ये सब दिया जाता है, कैश भी दिया जाता है चोरी छुपे। वैसे ये गलत है, इलेक्शन कमीशन इसको बैन करती है, बहुत अपराध माना जाता है इलेक्शन के टाइम में ये सब करना, लिक्वर ये अपराध माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी चोरी छुपे ये सब चीजें होती हैं, ये समाज को मालूम है।
ये हम कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, ये सबको पता है कि ये हो रहा है और लोग इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं, वो जो गरीब लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, जिनको पता नहीं है, जिनको कानून के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि इलेक्शन कमीशन के क्या क्या रूल है। अब इस कमी का फायदा वो करप्ट पॉलिटिशियन उठा ले जाता है और उनको थोड़ा सा प्रलोभन दे के चुनाव जीत के और नीति निर्माता बन के, और फिर वो ऐसी नीतियां बनाते हैं कि लाभ उन्हें मिलता है और नुकसान जो है जनता को होता है। तो इन सब चीजों का विरोध करना पड़ेगा सोसाइटी को। नेक्स्ट, रिफ्यूज टू पे ब्राइब गेटिंग देयर वर्क डन। और ये आदत भी बदलनी पड़ेगी कि अगर कोई ब्राइब दे रहा है, रिफ्यूज टू पे ब्राइब, अरे कि थोड़ा बहुत दे दो, 100 200 रुपए दे दो, काम हो जाएगा। अरे इतना देने में क्या जाता है, अधिकारियों को बांटना है, रोज पेपर में आता है ना, रोज पेपर में आता है, लोकायुक्त के छापे में पकड़े जाते हैं लोग, तो क्या बोलते हैं वो, अधिकारियों को बांटना है, ऐसे थोड़ी होता है, काम तो होगा। मना करो, रिफ्यूज टू पे ब्राइब गेटिंग देयर वर्क डन, काम होने में देरी हो जाए चलेगा, लेकिन हम ब्राइब नहीं देंगे। ये स्ट्रॉन्गनेस अगर सोसाइटी में आएगी तो निश्चित ही करप्शन को दूर करने में मदद मिलेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रिकॉर्ड इवेंट पुट अप ऑन सोशल मीडिया। अब देखिए, ये और एक तरीका बता रहे हैं कि अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन मिलती है जहां पर कि आपको लग रहा है कि ये अधिकारी, ये राजनीति, ये कर्मचारी, ये व्यक्ति हमसे करप्शन ले रहा है, ऐसा नहीं कि खाली पब्लिक सेक्टर में या सरकारी क्षेत्र में ही करप्शन होता है, कई बार प्राइवेट सेक्टर में भी करप्शन होने लगा आजकल। आजकल तो प्राइवेटाइजेशन के कारण बहुत सारे सेक्टर हुए हैं और सरकार जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट ठेके देती है काम करने के लिए, तो वहां भी अब करप्शन होता है। तो अगर आपको कहीं लगता है तो आप उसे रिकॉर्ड करिए, सोशल मीडिया पर डाल दीजिए। सोशल मीडिया इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग वे टू इरेडिकेट करप्शन, पढ़ चुके हम लोग, सोशल मीडिया बहुत अच्छा तरीका है। हमने वहां पर यह भी बताया था कि अगर आप टीवी न्यूज देखते हैं या अगर आप मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, पेपर न्यूज प्रिंट मीडिया, तो वहां तो सीमित जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उन्हीं की न्यूज आप पढ़ते हैं, और सोशल मीडिया में तो हर आदमी जर्नलिस्ट है। अगर आपको कोई न्यूज मिल रही है, कुछ ब्राइब हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई अधिकारी आपसे उस तरह की बात कर रहा है, तो आप उसे टेप कर लीजिए और डाल दीजिए, देखिए क्या होता है उसका परिणाम, और उसका इम्पैक्ट आपको फायदा नजर आएगा। बहुत सारी संस्थाएं इस तरह का काम कर रही हैं, लोग भी कर रहे हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं वो लोग ये सब करते हैं, और इससे जो है करप्शन को दूर करने में मदद मिलती है। और बात देखिए, पे ऑल लॉफुल टैक्सेस, ड्यूज, पेनल्टीज टू गवर्नमेंट रादर देन सेव लिटिल मनी फॉर ब्राइबिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल। जनरली क्या हैबिट है कि थोड़ा बहुत पैसा बच जाए, थोड़ा बहुत टैक्स बच जाए, टैक्स ना देना पड़े, तो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा बचाने के लिए, थोड़ा बहुत टैक्स बचाने के लिए क्या कर देते हैं, ब्राइब देते हैं, घूस देते हैं, और उस घूस के कारण क्या हो जाता है, ब्राइबरी जो है बढ़ती चली जाती है, मतलब दूर करने के बजाय बढ़ जाता है। तो यहां पर एक तरीका ये भी हो सकता है सोसाइटी में कि पे ऑल लॉफुल टैक्स, जो भी कर आपके ऊपर सरकार का आता है गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक, जो भी टैक्स आपके ऊपर है आप उसे पे कर दीजिए, थोड़ा बहुत बचा करके क्या मिलने वाला है, क्योंकि भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इस करप्शन के कारण, बच्चों को नुकसान होने वाला है, पूरी दुनिया को नुकसान होने वाला है, तो इसीलिए आप इस करप्शन को रोकने की कोशिश करिए। और बहुत छोटा तरीका है, जो टैक्स बनता है या जो लीगल टैक्स है आपके ऊपर उसे पे कर दीजिए, खत्म बात, थोड़ा बहुत बचा बचा करके कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बड़ा नुकसान होने से आप भविष्य में बच सकते हैं। नॉट टू ग्लोरीफाई द करप्ट ऑफिशियल्स, ये भी एक सोशल तरीका है, क्योंकि जो करप्ट ऑफिशियल्स होते हैं उनका उनका मकसद क्या है, बहुत सारा पैसा यानी ग्रीड, बहुत सारा पैसा हासिल करना, समाज में उस पैसे और सत्ता के दम पर प्रतिष्ठा हासिल करना, उस पैसे और सत्ता के दम पर प्रतिष्ठा हासिल करना। अब यहां पर क्या बोला इसने, जब समाज ये देखेगा कि इसके पास जो पैसा है, इसके पास जो संसाधन है,
ये तो समाज में करप्शन के माध्यम से हासिल किया इसने, आप क्या करेंगे? डोंट ग्लोरीफाई इट, उसे आप ज्यादा प्रतिष्ठा मत दो, ज्यादा सम्मान ही मत दो, आप उसकी तारीफ ही मत करो। और साथ ही साथ एक अच्छा तरीका, मैंने कहीं यहां पॉइंट में लिखा है सैंक्शनिंग, सैंक्शनिंग, सैंक्शनिंग करना जो है, सैंक्शनिंग करना मतलब क्या होता है कि कुछ प्रतिबंध लगाना, प्रतिबंध लगाना, यानी सोशल सैंक्शंस कैन बी मोर इफेक्टिव, यानी कि प्रतिबंध लगाना, यानी कि प्रतिबंध आप कोई व्यक्ति क्या लगाएगा, समाज कुछ ऐसे तरीके बना सकता है, ऐसे तरीके बना सकता है, यार ये व्यक्ति जो है बहुत करप्ट है, करप्शन से संसाधन हासिल कर रहा है, करप्शन से सत्ता दिखा रहा है, करप्शन के कारण ये बहुत अमीर हो गया है। अब समाज क्या करेगा? ऐसे लोगों को प्रतिष्ठित नहीं करेगा, ऐसे लोगों को महत्व नहीं देगा, ऐसे लोगों को जो प्रतिष्ठा या अवसर का जो मौका मिलता है उन्हें ज्यादा महत्व, महत्व किसको देगा? जो ऑनेस्ट है, अधिकारी है, कर्मचारी है, पॉलिटिशियन है, भले उसके पास बहुत पैसा या बहुत संसाधन नहीं है लेकिन वो ऑनेस्ट है, समाज का फर्ज बनता है उसे मौका दे, समाज का फर्ज बनता है, समाज का फर्ज बनता है कि वो ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई ना करे जो कि करप्शन के माध्यम से चीजें हासिल करते। तो ये सब तरीके हैं धीरे धीरे करप्शन को कम करने के, और ये समाज धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रहा है, ये कर रहे हैं, ये हो रहा है ना? आपने पढ़ा होगा कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने एक वो तरीका निकाला था जिसमें करप्ट आईएएस ऑफिसर्स की पूरी लिस्ट जारी की थी और उसको इंटरनेट पे डाल दिया। क्या है ये वो उसी का एक स्वरूप है भाई, आम आदमी तो ये कर नहीं सकता लेकिन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैज द पावर, उसको पावर है, वो क्या कर सकते हैं? ऐसे अधिकारियों की सूची जारी, अब उनकी बदनामी होती है इस तरीके से। अगर कोई अधिकारी करप्ट है उसको फेसबुक पर डाल दिया, उसे जो है सोशल मीडिया पर हाईलाइट कर दिया कि भाई ये करप्टेड है, ब्लैक लिस्ट कर दिया, अपमानित होते हैं लोग। और जब लोग अपमानित होंगे इस तरह के करप्टेड लोग, उन्हें लगेगा कि यार समाज में बहुत करप्ट तरीके से पैसा कमाने से कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि लोग महत्व ही नहीं देते, लोग सम्मान ही नहीं देते, लोग प्रतिष्ठा ही नहीं देते, तो क्या करेंगे? वो अपनी लाइन पे आ जाएंगे और वो अपनी जो रूल्स है, रेगुलेशन है, तौर तरीके हैं उससे काम करने लगेंगे, इससे करप्शन कम होगा। तो ये सोसाइटी की ताकत है, ये सोसाइटी कर सकती है ये काम। और एक और तरीका, कलेक्ट एविडेंस फॉर इलीगल इनकम एंड रिपोर्ट सीबीआई, सीबीसी, विजिलेंस, लोकपाल, और इसके लिए चाहिए हमें इंस्टीट्यूशंस का नॉलेज, जो मैंने शुरू में कहा था कि हमारे देश में बहुसंख्यक लोगों को ये पता नहीं होता कि हम शिकायत कहाँ करें, करप्शन तो हो रहा है लेकिन शिकायत कहाँ करें। कितने लोगों को पता होता है कि सीबीसी का नंबर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या स्टेट विजिलेंस कमीशन या डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमीशन का नंबर क्या है, जबकि ज्यादातर जो सार्वजनिक उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर है, सरकारी कार्यालय है, उन सब जगहों पर नियम बने हुए हैं कि विजिलेंस कमीशन का नंबर होना जरूरी है, नहीं है तो ये गलत माना जाता है, हर कार्यालय पर ये नंबर होना चाहिए। लेकिन आरटीआई एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आप जो एक सामान्य प्रक्रिया है उसके लिए, उसके मुताबिक अगर आपको लगता है कि किसी विभाग में कोई गड़बड़ी हो रही है आप सूचना मांग सकते हैं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लोग जो है सोचते कौन लिखे, कौन बोले, कौन विजिलेंस को बताए, लोकपाल में कौन जाए, कोई चार लाइन लिखना भी नहीं चाहते। परिणाम क्या होता है, ऐसे जो अधिकारी हैं, ऐसे जो पॉलिटिशियन हैं, ऐसे जो लोग हैं करप्शन करने वाले, उनका मनोबल बढ़ जाता है और समाज में करप्शन बढ़ता जाता है। केवल ये बोलने से कि भारत में बहुत भ्रष्टाचार है, हर आदमी बोलता है, लेकिन भ्रष्टाचार का विरोध कब किया आपने? कब आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ चार लाइन लिखी? कब आपने सोशल मीडिया पर किसी करप्शन करने वाले अधिकारी के बारे में बताया? अब बोलेंगे डर लगता है, फियर, मैंने शुरू में ही बताया कि डर लगता है, स्वाभाविक है, डर है लोगों में, डर रहता है कि अगर, क्योंकि उनका एक नेक्सस है, वो अधिकारी, वो जो अपराधी, जो क्रिमिनल्स हैं, जो अधिकारी हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो मिलकर नेक्सस बना लेते हैं और जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है उसको मार देते हैं। कई ऐसे हमारे बहुत अच्छे एक इंजीनियर्स थे वहां के, जो हाईवे का सिस्टम था वहां बिहार में, है ना, हाईवे कंस्ट्रक्शन का, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, उनकी हत्या हो गई।
इसी तरह से महाराष्ट्र में हुआ है ना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एक अधिकारी थे, उन्होंने जो है नकली ऑयल जो था बेचा बेचा जाता था पूरा बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे पेट्रोल पंप पे, उन्होंने खिलाफ उठाई, उनकी हत्या कर दी। यानी कि लोगों के अंदर डर पैदा करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसे क्रश कर दिया जाएगा, ये भी एक बहुत गंभीर चीज है। इसीलिए एक कानून बनाया गया, आप पढ़ेंगे, हम इसी टॉपिक के बाद, थोड़े टॉपिक के बाद आपको बताएंगे, व्हिसल ब्लोइंग एक्ट। व्हिसल ब्लोइंग एक्ट को कानून के द्वारा प्रोटेक्ट करने की व्यवस्था की गई है, उनको सुरक्षित सुरक्षा। अगर कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी अपनी संस्था के भीतर हो रहे किसी भ्रष्टाचार की जानकारी विजिलेंस कमीशन को भेजते हैं तो उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये उस कानून में व्यवस्था है। इसीलिए डरने की बात नहीं है, आरटीआई से तो सूचना मांग ही सकते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को इन्फॉर्म करेंगे, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, क्यों बताएंगे किसी को। तो व्हिसल ब्लोइंग हुआ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हुआ, और ये सब जो संस्थाएं हैं, लोकपाल हुए, लोकायुक्त हैं राज्यों में, ये सब संस्थाएं हमारी मदद के लिए बने हैं, और अगर आपके पास एविडेंसेज हैं करप्शन के तो आप इन्हें सूचित कर सकते हैं। इवन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी इस दिशा में काम करती है, सीबीआई, ये भी महत्वपूर्ण संस्था है, जो अगर किसी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है आप इनसे सूचना देंगे तो ये उसकी जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए, ये अलग बात है कि उसकी कुछ नियम कानून रहते हैं कि कौन जांच करने बोलेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई मुझे इस संस्था में भ्रष्टाचार की जांच कराना है तो कर सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई संस्था है वहां कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, सीबीआई कर सकती है। तो अगर लोगों के द्वारा या मीडिया के द्वारा अगर जानकारी मिलेगी उनको तो जांच कर सकते हैं। तो ये भी सोसाइटी के पास ये भी एक ताकत है, यूनिटी टू फाइट, एक संगठित होना। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर एक ये एडिडो पिज्जो यानी गुड बाय एक्सटॉर्शन, या रेसिस्ट पिज्जो यानी कि रेसिस्ट करो, विरोध करो पिज्जो को, एक्सटॉर्शन का विरोध, ये क्या है, यूनिटी, यूनिटी लोगों की यूनिटी के कारण संभव हुआ। या कहीं भी समाज अगर संगठित होकर, यूनाइट होकर अगर करप्शन का विरोध कर रहा है तो इसका लाभ अल्टीमेटली समाज को मिलेगा, और इस तरह से करप्शन को दूर करने में मदद मिलेगी। और कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं हमारे पास, जैसे देखिए, एक्यूरेट पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल। अब यहां पर एक नई चीज आती है, बिजनेस कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन, ये भी एक एग्जाम्पल है, बिजनेस कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन। बिजनेस कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या काम करती है, ये लोगों को, यानी वो लोग जो किसी व्यापार में, व्यवसाय में या किसी क्षेत्र में काम करते हैं, वो एक अप्रत्यक्ष रूप से एक संस्था बन जाएंगे, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्टली एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगे, और इसको नाम दिया इन्होंने बिजनेस कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन। ऐसा नहीं कि कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है या इसका कोई नेता बना है, लेकिन लोग अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए स्वतः ही एक संस्था के रूप में एकत्रित हो रहे हैं। तो अब ये बिजनेस कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, अब ये बिजनेस कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन यानी बीसीआई जो है, ये दो काम करेगा। पहला तो ये काम करेगा कि ये जो क्रेडिबल यानी विश्वसनीय सूचनाएं हमेशा अपने पास रखेगा, कहीं पर अगर कोई करप्शन हो रहा है तो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हर आदमी तो हर बात को नहीं समझ पाता है, तो प्रॉपर तरीके से सूचनाओं को अपने पास रखेगा। दूसरा, लोगों को ट्रू सोशल कोलिशन यानी वास्तविक रूप से लोगों को संगठित करेगा। किसके बारे में बात कर रहे हैं, बीसीआई के बारे में बात कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन के बारे में। कैसे बना, तो लोगों के बीच यानी जो व्यापार व्यवसाय, दुकानें चलाने वाले लोग, छोटे छोटे काम करने वाले लोग, मजदूर लोग, जिनको बहुत ज्यादा समझ नहीं है लेकिन इतना पता है कि भ्रष्टाचार गलत है, उन लोगों ने एक सामूहिक विचारधारा से कि जहां पर भी कुछ गलत हो रहा होगा, कोई करप्शन हो रहा होगा, या हम में से किसी के साथ करप्शन की कोई घटना हो रही होगी, हम मिल करके एक दूसरे की मदद करेंगे। तो पहली चीज इसमें यह बताया गया कि भाई आप कभी भी
जो है क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, विश्वसनीय सूचनाओं को एकत्रित कीजिए। दूसरा, ट्रू सोशल कोलिशन, वास्तविक रूप से एक दूसरे से जुड़ के रहिए, यानी संगठित होकर के रहिए। अगर वास्तविक रूप से संगठित होकर रहेंगे, वास्तविक सूचनाएं इकट्ठा करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली होगा ये कि वो जो करप्ट लोग हैं, वो जो ऐसे लोग हैं जो करप्शन का मौका ढूंढ रहे होते हैं कि यार ये बंदा अकेला है, ये असंगठित है, इसके ये तो किसी को नहीं बोलेगा, वो ऐसे लोगों पर ही इम्पैक्ट डालते हैं। और अगर आप संगठित हैं तो क्या होगा? करप्शन का, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बंदा संगठित है, ये लोगों से मिला जुला है, ये किसी संगठन का सदस्य है। इसीलिए हमेशा ये शो करना है कि यू आर रिलेटेड विथ एन बिग ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये बताना है कि मैं एक बड़े संगठन का सदस्य हूं, और अगर आपने मुझे परेशान किया तो आप भी परेशान हो जाओगे। ये चीज अगर करप्ट ऑफिशियल्स के दिमाग में आ गया तो वो आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। तो इसीलिए बात निकल कर ये आती है कि करप्शन इज लाइक ओबेसिटी नॉट कैंसर, कहा ये गया है। मतलब एक एक अपनी स्टडी है, एक रिसर्च है कि भाई ये जो करप्शन है ये कैंसर नहीं है। लोग बोलते हैं ये कैंसर है, हम कह रहे हैं नहीं, ये कैंसर नहीं है। कैंसर में तो वो कोशिकाएं, वो सेल्स जो कि डैमेज हो गई हैं या खराब हो गई हैं, उन्हें निकाल के बाहर कर दो तो कैंसर भी ठीक हो जाता है। ये एक ओबेसिटी की तरह है, उस मोटापे की बीमारी की तरह है, जिस पर अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये लगातार बढ़ते जाता है। और नियंत्रण भी कई तरह से करना पड़ेगा, ऑन मेनी वेज, बहुत तरीकों से। पहले तो एक्सरसाइज करो, मेहनत करो, है ना, जो जितना फैट अपन ने खाया उसको पचाओ, और दूसरी तरफ जो है खाने पे भी नियंत्रण रखो, कंट्रोल ऑन डाइट एंड ऑल्सो एक्सरसाइज। और अगर 10 दिन महीने भर आपने बंद कर दिया, ओबेसिटी फिर हावी हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? करप्शन भी ऐसे ही है, थोड़े दिन आप इस पे कंट्रोल रखोगे ये दब जाएगा, चुप हो जाएगा, और फिर जैसे ही आपने छोड़ा फिर उभर के आ जाएगा। तो चौतरफा प्रयास, लगातार प्रयास करप्शन को दूर करने में मदद कर सकता है। इसीलिए आप इसे ओबेसिटी की तरह ट्रीट कीजिए, ना कि कैंसर की तरह। यानी कि अगर करप्शन पर कंटिन्यूअस निगरानी नहीं रखी गई, कंटिन्यूअस ऑब्जर्व नहीं किया गया सोसाइटी की तरफ से, कंटिन्यूअसली लोगों को अवेयर न किया गया, तो ये लगातार बढ़ते 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 जाएगा और अल्टीमेटली समाज को खा जाएगा। इसीलिए इसे दूर करना जरूरी है। समाज के पास टूल क्या है, क्या हथियार है? तो मैंने सारे उन हथियारों का इस्तेमाल किया, क्योंकि देखिए यहां पर हम समाज की बात कर रहे हैं, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, और सोसाइटी से मतलब ये है कि लोगों के अंदर उनकी सोच, उनकी परंपरा, उनके मूल्य, उनकी शिक्षा का स्तर, उनकी संस्कृति, उनका व्यवहार, उनकी आदत, उनकी जो अपनी एक सोशल रिलेशन, इन सब चीजों में हमें करप्शन को दूर करने वाले मूल्य डालने पड़ेंगे, वैल्यूज डालने पड़ेंगे, तब जाके करप्शन को कम कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारे पास टूल क्या है? शिक्षा, एजुकेशन हमारा टूल है। लोगों को एजुकेट करना कि करप्शन गलत है, और लोगों को बताना कि करप्शन से कैसे लड़ा जा सकता है। आरटीआई ये समाज का टूल है, ये समाज को एम्पावर करता है। जब आरटीआई एक्ट बना था, आरटीआई एक्ट 2005, तो इसमें यही कहा गया था कि दिस विल एम्पावर द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भारत की जनता को एम्पावर्ड करेगी, और आरटीआई जो है इसका उपयोग करने से भी करप्शन को कम करने में मदद मिलेगी। ई गवर्नेंस क्या होता है? जिसमें कि जो काम है वो फाइलों की, सामान्य फाइलों या मैनुअल के तरीके से नहीं होगा, जो भी काम होगा वो सब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से होगा, हर चीज का प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा। जो भी काम करने वाला व्यक्ति है और जो लाभ लेने वाला व्यक्ति है, वो पूरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़े होंगे, तो इसमें भी गड़बड़ी की संभावना कम हो जाएगी। तो सोसाइटी जो है ई गवर्नेंस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे। कम्युनिकेशन, संचार एक बहुत बड़ा
माध्यम है। और आजकल तो संचार के बहुत से माध्यम हो गए, आजकल लोग जो है फेसबुक यानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे सोशल तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो सामान्य मीडिया है कम्युनिकेशन का वो तो है ही, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिटीजन चार्टर ये भी हमारे देश में लागू है, हर एक कार्यालय में हर एक विभाग में ये नियम है कि कोई काम कितने दिन में होगा ये तय होना चाहिए, तो जनता को पता होना चाहिए कि इस काम का सिटीजन चार्टर के मुताबिक कितने दिन में करने का नियम है। अगर उनको नियम पता होगा तो वो बात कर सकते हैं अधिकारी पर, दबाव डाल सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये सिटीजन चार्टर में 5 दिन में काम होना था और आपने 50 दिन लगा दिया, यू आर रॉन्ग, बोल सकते हैं आप। तो सिटीजन चार्टर एंड नॉलेज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में जानकारी। लोगों को फंडामेंटल राइट ही नहीं पता, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही नहीं पता फंडामेंटल राइट के, हमारे क्या राइट्स हैं, राइट टू स्पीच हमारे पास है कि नहीं है, मालूम नहीं होता लोगों को कि हम जो है कानून के सामने हम सब बराबर हैं, चाहे राजा हो या रंक हो, चाहे अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, कानून जो है हम सबके लिए बराबर है, ये फंडामेंटल राइट है। लोगों को पता होगा तो वो उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। और क्या चीज है, तो हमारे देश में इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका मैंने ऊपर भी जिक्र किया है ना, बहुत सारे संस्थाएं इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हमारे पास सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, हमारे पास जो है लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाएं हैं, हमारे पास जो है व्हिसल ब्लोइंग ब्लोइंग कानून है, यानी कि व्हिसल ब्लोअर कानून, व्हिसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करने का कानून है, और आजकल बहुत सारे सिविल सोसाइटी भी डेवलप हो रहे, सिविल सोसाइटी यानी समाज के भीतर ही बहुत सारी ऐसी संस्थाएं विकसित हो रही हैं जो ज्यादा बेहतर जानते हैं, ज्यादा कानून के बारे में जानते हैं, नियमों के बारे में जानते हैं, अपराध के तरीकों के बारे में, भ्रष्टाचार के तरीकों के बारे में जानते हैं। बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सिविल सोसाइटी के अंग माने जाते हैं। तो सिविल सोसाइटी हैज ऑल्सो बिकम ए वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पॉइंट टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। तो सिविल सोसाइटी जो है ये भी एक बड़ा मजबूत हथियार बनने जा रहा है करप्शन के खिलाफ लड़ने में। तो इस तरह से करप्शन को दूर करने में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, और अगर समाज अगर अपनी इन तरीकों का इस्तेमाल करे तो निश्चित ही करप्शन को दूर करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।